रॉयटर्स के एक सर्वे ने ग्लोबल इकोनॉमी की चिंता बढ़ा दी है। इसमें दावा किया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जाने लगी है। सर्वे के मुताबिक दुनिया की दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं में विकास दर पहले के मुकाबले कम हो गई है। विकास दर कम होने की वजह ब्याज दरों में बढ़ोतरी को बताया जा रहा है। दरअसल महंगाई घटाने के लिए दुनिया के ज्यादातर सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में इजाफा कर रहे हैं, जिसका सीधा असर इकोनॉमी के ग्रोथ रेट पर पड़ रहा है। इस सर्वे के मुताबिक कुछ देशों में मंदी अपने पैर पसार चुकी है, वहीं कुछ देशों में मंदी का काला साया तेजी से गहराने का भी अंदेशा जताया गया है। हालांकि मंदी का असर भी पिछले कई मंदी के मुकाबले कम रहने का अनुमान है, इसके बावजूद महंगाई से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। इससे समझा जा सकता है कि अगर महंगाई लंबे समय तक टिकी रही तो ब्याज दरों में कमी नहीं होगी, जिससे ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा। वैसे भी अभी तो दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों का फोकस ब्याज दर बढ़ाकर महंगाई रोकने पर है। अभी तक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की कुल गुंजाइश का 2/3 ही बढ़ाया है। ऐसे में ब्याज दरों में इजाफे का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन जिस महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं, वो अभी तक काबू नहीं आई है। रॉयटर्स के सर्वे में शामिल अर्थशास्त्रियों के मुताबिक महंगाई को कम करने में ज्यादातर देशों के केंद्रीय बैंक असफल साबित होंगे। इस सर्वे में 22 केंद्रीय बैंकों की राय जानी गई। उनमें से महज 6 सेंट्रल बैंकों ने ही अगले साल तक महंगाई के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होने का भरोसा जताया है। इससे पहले जुलाई के सर्वे में 18 सेंट्रल बैंकों में से 12 को महंगाई का लक्ष्य हासिल करने का भरोसा था। रॉयटर्स के सर्वे में शामिल 257 में 179 अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले समय में बेरोजगारी में तेज इजाफा होगा। 47 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखने वाले अर्थशास्त्रियों के रॉयटर्स पोल के मुताबिक 2023 में वैश्विक विकास दर लुढ़क कर 2.3% रह सकती है। हालांकि इसके पहले अनुमान था कि ग्लोबल ग्रोथ रेट 2.9% रहेगा। वैसे 2023 के बाद 2024 में वैश्विक विकास दर बढ़कर 3.0% तक जा सकती है। 70% से ज्यादा अर्थशास्त्रियों के मुताबिक वो जिन अर्थव्यवस्थाओं को करीब से देखते हैं, उनमें अगले 6 महीनों में हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। यानी आने वाला समय रोजगार के मोर्चे पर चुनौती की वजह बन सकता है।